हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं देने लगा क्योंकि मेरी आज वाइफ जो है उनके है बर्थडे, तो मैं उनके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। तो मैं इस वक्त निकलने लगा हूँ डी ग्राउंड, तो वहाँ जाकर देखता हूँ कौन से गिफ्ट उनके लिए परचेज करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। बिना वेट कराए आपको चलते हैं डी ग्राउंड। ये आ गया डी ग्राउंड, तो यहाँ से फ्लावर्स ले लेते हैं और अगर बैलून से चले गए वो भी ले लेते हैं। काफ़ी शॉप्स हैं इधर सब। थोड़ा आगे गाड़ी पार करके फिर लगा लेते हैं चीज़ें। क्या प्राइस है भाई? ये और वो जो पड़े हैं सामने वो 1500 का। फ्लावर का बुका भी ले लिया है, फुल गुलाब लगा हुआ और गजरे भी, और साथ में बैलून्स भी ले लिए हैं जी वाइफ की बर्थडे के लिए। बैलून्स भी ले लिए हैं और फ्लावर्स भी ले लिए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कोई स्पेशल गिफ्ट अपनी वाइफ को दूं। तो सोच रहा हूँ कि ना उसके लिए ना एक अच्छा सा मोबाइल ना उसके लिए लेता हूँ, तो जिससे यानी कि एक तरह को स्पेशल गिफ्ट भी हो जाएगा और पहली बर्थडे है तो सेलिब्रेशन करना भी एक तरह का अच्छा लगना चाहिए ना, सरप्राइज़ इंसान होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ किसी मोबाइल वाली शॉप पर, तो वहाँ से मोबाइल परचेज़ करता हूँ। यहाँ से जो ना अगले जो साइड होती है ना डी ग्राउंड की, जहाँ से हाफ होता है ना ये, जहाँ पे ये राउंड बॉर्ड है गोल चक्कर, तो यहाँ से आगे मोबाइल की शॉप स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे कोई आजकल इलेक्शन का जोर है तो कोई कंपेन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली, तो यहाँ पे कहीं पार्किंग लगानी पड़ेगी। तो ये हुंडई का शोरूम है, इसके सामने गाड़ी पार कर देते हैं। ये जी हुंडई का शोरूम। ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से डी ग्राउंड ब्लॉक किया गया है। अब कंप्लेंट कर रहे हैं, केक भी लेना है और शॉपिंग भी करनी है मोबाइल की। अब देखते क्या बनता है, ये सूरत हाल है। ब्रदर ये उसका डब्बा दिखाना है, इसका उसी के अंदर उसको हम करते हैं साथ साथ। नंबर की नहीं लेते थे। नहीं मैं लेने वैसे वीडियो बना रहा हूँ भैया, ये इसका डब्बा पैक कर दो। और ना कुछ सैमसंग का दिखाना, 1.5 लाख का, 2 लाख के बजट में वैसे दिखाना जरा, कौन सा 1.5-2 लाख के बजट में? 2.5 लाख। मोबाइल भी हो गया, अब लेते हैं केक। तो जी आए हैं बेकर दिन, तो ये केक की वैरायटीज हैं और मुझे जो पसंद है ना वो है ब्लैक फॉरेस्ट इनका। ये वाला जो पड़ा है स्पेशल ब्लैक फॉरेस्ट, लेकिन इनका सिंपल वाला ना ज़्यादा मज़ेदार है, तो वो लेते हैं। ये वैरायटी पड़ी हुई है केक की, लूटस केक, किटकैट केक और ये ब्राउनीस। और इनके पास जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट स्पेशल ही पड़ा है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना इनका स्पेशल वाला ले लेते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ। हाँ चाल सारी बंद है, ऊपर वाला पुल भी। और बेकर इनसे केक भी ले लिया और मोबाइल, और शॉपिंग होगी डन। अब इसको जो है करवाते हैं पैक। अच्छा जी, केक भी ले लिया है, मोबाइल भी ले लिए हैं और जनाब सब फ्लावर और ये बैलून। अब इन जो सब जो चीज़ों को पैकिंग करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं पैकिंग शॉप पे। अच्छा, पैकिंग के लिए इनमें से कोई बकेट ले लेते हैं और ये एक टेडी भी अच्छा लगा है, तो ये भी ले लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा है, तो ये भी साथ में ले लेते हैं। और कुछ चॉकलेट ले लेते हैं, चॉकलेट्स पकड़ लेते हैं, किटकैट और 2 मार्स, तो ये पसंद है चॉकलेट, और एक बाउंटी ले लेते हैं। और इनमें से भी कोई देखते हैं कौन से लेते हैं। एक ये पकड़ते हैं फेरी रोस पायल, और ये चीज़ ना पैक करना। और ये टोकरी भी तैयार हो गई है, और अब चलते हैं घर सरप्राइज देने।
अच्छा, तो मैंने सोचा है कि अपनी वाइफ को जो सरप्राइज करूँ ना, तो अंदर तो सब फैमिली बैठी हुई है, तो मैंने सोचा गाड़ी के अंदर ना सजावट करके ना तो उस तरह सरप्राइज करता हूँ, तो फैमिली भी देखेगी तो इंजॉय करेगी, वो स्पेशली जो सरप्राइज है मेरी वाइफ के लिए। तो जब ये ओपन होगी तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है, मेरी मेहनत जो है वो रहेगा गई कि नहीं गई। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना लाजमी है, ठीक है। तो चलते हैं, वाइफ को बाहर लेके आते हैं, फैमिली को बाहर लेके आते हैं, तो देख के क्या बोलती है। सरप्राइज आपके लिए। थैंक यू। अच्छा लगा सरप्राइज? ये क्या फ्राई थी? मामी के लिए सरप्राइज ही है। गाड़ी में कौन करता है? ये मैं देता हूँ सरप्राइज। कैसा लगा? मजा आया? मेरे बर्थडे में भी यही करना। ओके, फाइनली बर्थडे सरप्राइज मैंने दिया था ना वाइफ को, बहुत ही अच्छा लगा, उनको फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। और जो ये प्लान मेरे माइंड में आया था कि मैं गाड़ी में सेलिब्रेशन करूँ, अगर मैं अंदर जाके कोई बैलून कोई एडजस्टमेंट करता तो सबको पता लग जाना था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि गाड़ी के अंदर एक यूनिक तरीके से उनको सरप्राइज दूँ, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट बर्थडे थी मेरे साथ, तो स्पेशल डे बनाना मेरा मकसद, जितना मेरे से हो सका मैंने उनके लिए बेस्ट से बेस्ट डे बनाया। तो व्लॉग को मैं अभी एंड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में भी इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।